Assalamu alaikum students, welcome to the classroom. आज हम अपना सिलसिला कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट मेकिंग, जहां हम पहुंचे थे. हमने कुछ इनिशियल लेवल के सवाल किए थे जिसमें हम सब्जेक्ट बनाना सीख रहे थे किसी भी वेरिएबल को. आज हम यही सिलसिला कंटिन्यू करेंगे. फाइंड एक्स as a subject. जी ये हमारा एस्पेक्ट. एक्स को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके लिए मैं मुख्तलिफ सिचुएशन, जैसे हमेशा हम करते हैं, सिचुएशंस बनाएंगे, मुख्तलिफ एग्जांपल देंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा. बहरहाल देखते हैं आज का पहला सवाल इस हवाले से क्या है. x square is equals to x square minus a square is equal to c square. x को subject बनाना है. तो x को subject बनाने के लिए हम सबसे पहले x को अकेला करते हैं, पहला काम, यानी कि a square को यहाँ से remove करना होगा. a square यहाँ subtract हो रहा है, लिहाजा दूसरी तरफ जाकर अपना opposite काम करेगा, यानी कि add हो जाएगा. is equal to c square plus a square. ये पहला काम हमने मुकम्मल कर लिया है. अब सब्जेक्ट मेकिंग की कल हम लास्ट क्लास में हमने आपको तीन शराइत बताई थी. तीन बातें अगर होंगी तो हम कहेंगे यस, अब ये वेरिएबल सब्जेक्ट बन चुका है. पहली शर्त ये है कि उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी शर्त उसका कोएफिशिएंट प्लस वन होना चाहिए, और तीसरी शर्त उसकी पावर प्लस वन होनी चाहिए. पहली दो शर्तें पूरी हो रही, तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, लिहाजा इस स्क्वायर को किसी तरीके से हम हटाना है. स्क्वायर हटाने के लिए हम उसका एंटी लगाते हैं, विच इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. चूंकि हम स्क्वायर रूट अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लगा रहे हैं, लिहाजा यही स्क्वायर रूट हम राइट साइड पर भी अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है जो सुनने समझने की है, वो क्या है आइए देखते हैं. पहली बात, ये स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. यू फाउंड एक्स. अब बहुत दिल चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं भी यहाँ से स्क्वायर रूट काट दूं और ये a के ऊपर से और c पे से स्क्वायर रूट हट जाए, लेकिन ऐसा कतन नहीं होगा. तो इसलिए यू कैन सी देयर इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव. जब कभी भी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन दरमियान में आ जाए तो फिर ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता, स्क्वायर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते. देयरफॉर थिंग रिमेन सेम, जैसी है वैसे की वैसे ही रहेगी. अब आप देख सकते हैं यू आर एबल सक्सेसफुली टू मेक एक्स एज. इस तरह से हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे इन दी सिचुएशन. आई नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. जी एग्जाम्पल नंबर टू कुछ यूं हमें दी गई है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एम. जी अगेन सिलसिला वही है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को अकेला करना है. सबसे पहले हम इस बी को रिमूव करेंगे जो कि एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो एड हो जाएगा, अपना फंक्शन चेंज करेगा. ये लीजिए हम शिफ्ट कर रहे हैं बी को अपने राइट पे और आप देख सकते हैं का साइन चेंज हो गया है. अब आइए जरा देखते हैं मसला आया है नया. हम देख रहे हैं कि एक्स की ऊपर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है. जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा कोई मसला हल नहीं हो सकता, हम एक्स को सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे. फिर याद करते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, लिहाजा हम इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इस इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. नाउ यू कैन सी दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर गोइंग टू बी कैंसिल्ड विद ईच अदर. दिस इज योर न्यू सब्जेक्ट एक्स. अब एक जहन में सवाल आ रहा होगा
कि चल इसको आइडेंटिटी से खोल देते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस ईदर यू ओपन और नॉट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सो ईदर यू लीव इट हियर और यू ओपन विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी, दैट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि एक्स सब्जेक्ट बन चुका है, काम आपका पूरा हो चुका है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. दिस वाज एग्जांपल 2, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 3. चलिए एग्जांपल नंबर 3 क्या है आइए देखते हैं. सरकार एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर is equal it's minus c is equal to b. ये हमें एक क्वेश्चन दी गई और x को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है जी, सबसे पहले इस c को यहाँ से रिमूव करते हैं. c राइट पर जाके अपना फंक्शन चेंज करेगा और वहां जाकर के ये एड हो जाएगा. एंड दिस इज p प्लस c. अब बड़ी अहम चीज, x तब तक सब्जेक्ट नहीं बन सकता जब तक के 2 ना हट जाए, और 2 तब तक नहीं हट सकता जब तक स्क्वायर ना हट जाए. और स्क्वायर हटने का एक ही तरीका है कि वी विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. लेट्स अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. यस, द राइट एंड टू द लेफ्ट एज वेल. आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. व्हाट वी हैव x प्लस 2 अंडर रूट p प्लस c. बट हमें तो x को सब्जेक्ट बनाना है, इस 2 को भी यहाँ से हटाना होगा. 2 यहाँ पर ऐड कर रहा है, वहां जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा. सो योर फाइनल रिजल्ट विल बी अंडर रूट p प्लस c माइनस 2. Minus 2. This is the way to make x as subject. अच्छा जी, इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगली एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं. ओके, आई होप आप नोट कर चुके हैं. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 4. अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रही है देखते हैं. अगर एग्जांपल 4 इट सेज स्क्वायर रूट x माइनस a इज इक्वल्स टू 4c. अच्छा जी, फिर दोहराते हैं बात को. x को सब्जेक्ट बनाना है, a को हटाना है. a नहीं हट सकता. क्यों नहीं हट सकता? बिकॉज वी हैव अ स्क्वायर रूट है. और स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? यस, उसका एंटी लगाएंगे. उसका एंटी होता है स्क्वायर. सो वी विल अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट. लेफ्ट पे स्क्वायर किया है लिहाजा राइट पर भी स्क्वायर कह देंगे. अब आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो दिस इज x माइनस a एंड दिस इज 16c स्क्वायर. सब्जेक्ट बनाना है x को, a को यहाँ से रिमूव करना है. ये राइट पे जाएगा और राइट पर जाकर वो ऐड कर लेगा. दिस गोइंग टू बी 16c स्क्वायर प्लस a. यू गॉट x एज सब्जेक्ट. अच्छा जी, बढ़ते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ. आज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल होगी हमारे लेक्चर की. फिर मैं यकीनन हमेशा की तरह आपके लिए होमवर्क दूंगा. और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले होमवर्क भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे. इस होमवर्क में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला. लेट्स मूव.
This is my last example for today's lecture. One upon x square, one upon a square, one upon b square. जी, अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है. सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को यहाँ से रिमूव करके राइट पे लेकर जाएंगे. आइए देखते हैं सर क्या. तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर. अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे अपने राइट साइड पर. जैसे ही राइट साइड पर एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमारा एलसीएम आ गया. अब चूंकि एलसीएम हासिल हो चुका है, एक्स सब्जेक्ट बनाना है, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. चूंकि एक्स तो नीचे रेसिप्रोकल हुआ है, नो प्रॉब्लम. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे वन से. तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन अभी भी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक काम अभी बाकी है, और वो ये कि यहाँ से इस ब्रैकेट को मूव करेंगे. ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपने एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन हमें तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना है. नो प्रॉब्लम जी. आइए देखते हैं अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा. इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें मतलब स्क्वायर रूट लगाना होगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी. ये लीजिए हमने दोनों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. दिस इज एक्स. देखिए और कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और जब ये मल्टीप्लाई हो तो अब हम ये स्क्वायर रूट इन दोनों देयर फॉर इट्स गोइंग टू बी ए बी. देखें ए बी के ऊपर इनके बीच में कोई एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन साइन नहीं था. अलबत्ता वेयर एज इन द डिनोमिनेटर इट विल रिमेन सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक माइनस साइन आ रहा था, इसलिए ये स्क्वायर रूट इन पावर्स को कैंसिल नहीं कर सकता था. ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में सेंटेंसेस में हमें सिंप्लीफिकेशन के दौरान ध्यान से समझनी है, देखनी है, जो हमारे अच्छी वाली मेहनत को जाया कर सकते हैं. जी काइंडली हमारी लास्ट एग्जांपल को नोट कर लीजिए. देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड सम होमवर्क. जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा उस होमवर्क को ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर. जी होप आप लोग नोट कर चुके हैं. अब मैं बोर्ड को क्लियर करने लगा हूँ ताकि फिर आपके लिए होमवर्क लिख सकूं बोर्ड पे. ठीक है जी. ओके आई एम गोइंग टू रिमूव दिस क्लियर दिस बोर्ड. सो आई एम राइटिंग डाउन द होमवर्क नाउ बोर्ड. So question number one, find
x as subject. Number one, square root x upon 3 minus c is equals to a. 2, a minus 5x square is equals to m. 3, 2c upon x plus 1 whole square is equals to e to 4, 1 over under root x plus 1 over f, 1 over g. And the last question, number 5, is 16 is equals to m divided by 2x. Yes, this is your homework. 1, 2, 3, 4, 5 questions we have. मुझे उम्मीद ये है कि आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे. Or in case you find any problem, if you have any query, you want to ask me, तो आप हमारे एड्रेस पर आप तक कर सकते हैं. वहां पर हम आपके साथ जितने आपकी हेल्प हो सकती है हम जरूर आपकी हेल्प करें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.